राजधानी में एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। जगनपुर पुलिस ने जगनपुर सरिस्ताबाद और मीठापुर बस स्टैंड के सामने एक होटल में छापेमारी कर एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस सेक्स रैकेट में अभी तक 10 लड़की के साथ 2 दलाल और होटल के 3 स्टाफ को हिरासत में लिया गया है। काफी मात्रा में आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि मीठापुर बस स्टैंड के सामने को होटल में एक बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जब रेड किया तो एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने होटल के कई कमरे में तलाशी लिया जिसमें कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। छापेमारी अभी भी चल रही है। कई मोबाइल बरामद किए गए हैं। व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा रैकेट चल रहा था। ये कुछ गुप्त सूचना था हम लोगों के पास। अभी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से हम लोगों का देश भर में ड्राइव चल रहा है। बचपन बचाओ आंदोलन श्री कैलाश सत्यार्थी जी का संस्था है, नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार जिनको मिला था। तो पटना पुलिस के साथ हम लोग मिलकर ये अभियान चलाए हैं। यहाँ पर कुछ सेक्स रैकेट व्यापार का रैकेट चल रहा था और कुछ बच्चों को भी इसमें इस्तेमाल किया जाता था। लड़कियों को बाहर के राज्यों से लड़कियों को ला के यहाँ पर देह व्यापार करवाया जाता था। कितने लोग पकड़े गए? अभी तक 5 लोग पकड़े गए हैं कुल, और कई लड़कियाँ भी बरामद हुई है। 7 लड़कियाँ बरामद हुई है। 5 लोग अभी तक अरेस्ट जिसमें होटल स्टाफ भी है, कस्टमर है और एक रैकेट का सरगना भी है। आगे भी कार्रवाई होगी। माय नेम इज अरिजीत अधिकारी, मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ बचपन बिहार से।